इसी बीच एक बड़ी खबर से आपको मुखातिब करवाते हैं। फिलहाल एक बड़ी अहम जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। जम्मू के उधमपुर में बड़ा हादसा हुआ है। जम्मू से बड़ी खबर, उधमपुर में बड़ा हादसा हुआ। शिवगढ़ धार में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी अहम जानकारी फिलहाल आपको बता रहे हैं। हादसे में पायलट और को पायलट घायल है। और ये भी आपको बता दें कि खराब मौसम बताया जा रहा है इस हादसे का कारण। तो फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जम्मू से तस्वीरें सामने आई है। शिवगढ़ धार में दरअसल सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हादसे में पायलट और को पायलट घायल हो चुके हैं। खराब मौसम बताया जा रहा है हादसे का कारण। तो जम्मू के उधमपुर जिले के शिवगढ़ धार इलाके में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। चॉपर में दो लोग सवार थे। अमित शर्मा इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमित, उधमपुर में आर्मी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, फिलहाल घायलों की हालत क्या स्थिर है? जी, अभी जो खबर आई है कि उधमपुर के पत्नीटॉप इलाके में, ये पहाड़ी इलाका है, वहां पर ये जो सेना का चॉपर है ये क्रैश हुआ है। वहां पर इस चॉपर में तीन लोग जो सवार थे, एक पायलट भी था, ये तीनों जो है इसमें गिरे हैं। वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है और इनको बचाने की कोशिश जो है वो की जा रही है अभी। जी, रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है। और अमित शर्मा, कहा जा रहा है कि खराब मौसम के चलते हादसा हुआ। देखिए, वहाँ पे काफी एक तो पेड़ पौधे हैं, घना जंगल तरह का इलाका है और धुंध काफी वहाँ पे रहती है क्योंकि अभी बर्फबारी का मौसम जो शुरू हो रहा है। पत्नीटॉप हिल स्टेशन यहाँ पे माना जाता है, तो मौसम के चलते ये हादसा जो है वो पेश आया है ऐसा बताया जा रहा है अभी। लेकिन इसमें तीन लोग जो है वो सवार थे और वहाँ पर पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। जी, तो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। शुक्रिया अमित शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको की शिवगढ़ धार में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। जम्मू के उधमपुर जिले के शिवगढ़ धार इलाके में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। चॉपर में दो लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि खराब मौसम के कारण ये दुर्घटना हुई। इस घटना में पायलट और को पायलट जो है वो घायल हो चुके हैं।